हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडियन हेम यादव में। ठीक है, हम देवघास सेमिकर देखेंगे आज एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसका पार्ट वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तब देखो क्वेश्चन इसके 4 है। ठीक है ना, हम इसका पहला देखते हैं। पहला है 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखिए आपको क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है ना, वो आपको फॉलो करने हैं। देखो, जो आपका x² का गुणांक है, ठीक है ना, 2x² गुणांक, इससे आप पूरे में भाग दे दो। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम सॉरी 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे दो, तब देखो क्या हो जाएगा। 2x² - 7x² + 3y² 0.2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ क्या बचा, x² ठीक है, माइनस के 7x/2 प्लस के 3y² 0। ओके, अब देखो जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो आपको दूसरी तरफ ले जाना है। ये वाला जो पार्ट है कांस्टेंट है, x² - 7x/2 प्लस का है उधर, -3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको एक काम और करना है। ठीक है, देखो आपको दोनों पक्षों में देखो 1/2, ठीक है, 1/2 गुणा जो x का गुणांक है, कितना x का गुणांक, 7/2, 7/2। ठीक है, इन दोनों की गुणा करो, 1/2 × 7/2 या आपस में गुणा करो, इनका वर्ग कर दो। ठीक है ना, 1/2 × 7/2 इसका वर्ग कर दो, इसको दोनों पक्षों में जोड़ दो, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, देखो ये कितना आ जाएगा आपका, जोड़ दो x² - 7x² ठीक है ना, इसको जोड़ दो, प्लस के 7/4 का वर्ग हो जाएगा बराबर -3/2 प्लस के 7/4 का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहां ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, देखो यहां एक फॉर्मूला बनेगा, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, आप इसको खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। नहीं, देखो x² देखो प्लस का 20² होता है, प्लस का 7/4 का स्क्वायर, माइनस का 2ab, देखो माइनस का 2ab यहाँ करेंगे तो यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो 2 1 कितना आपका x, बी कितना आपका 7/4, 2 × 4 आपके पास आ गया 7x/2। ठीक है ना, तो यही तो है यहाँ, ठीक है ना, मास लग जाएगा। ठीक है, तो x - 7/4 का फॉर्मूला बन गया जी, बराबर देखो ठीक है, देखो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 16 LCM ले दिया हमने, 2 8 16 8 3 24, माइनस के 24 प्लस के 49। ठीक है,
अब देखिए x माइनस सात बट्टे चार का और इसका बराबर, यहाँ क्या बचा आपका 25 बट्टे 16, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले दो, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है वर्गमूल ले देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए वर्गमूल ले देंगे तो कंडीशन बनेगी x माइनस सात बट्टे चार का होल स्क्वायर, ठीक है अंडर रूट में 25 बट्टे 16, ठीक है। अब देखिए ये इसका होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस सात बट्टे चार, ठीक है यहाँ क्या बचा प्लस माइनस के 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, ठीक है ना। अब देखिए देखो प्लस माइनस चिन्ह आया है, ठीक है तो आप पहली कंडीशन में देखेंगे, पहली कंडीशन है प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना एक बार क्या ले दो प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, पहली कंडीशन क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है क्या हो जाएगा देखो x माइनस सात बट्टे चार बराबर 5 बट्टे चार, ठीक है प्लस चिन्ह ले लिया, तब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 5 बट्टे चार, देखो इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के 7 बट्टे चार कितना हो जाएगा ये 12 बट्टे चार, कितना आ गया 3। अब देखो सेकंड वाला माइनस ले दो x माइनस सात बट्टे चार बराबर माइनस के 5 बट्टे चार, ठीक है x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 बट्टे चार, इधर माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस के 7 बट्टे चार, ठीक है देखो चार एलसीएम ले दो माइनस 5 प्लस 7 क्या आ गया आपके पास 2 बट्टे चार यानी 1 बट्टे 2, ठीक है आपके दो मूल होंगे, ठीक है एक तो आपका 3 होगा और एक 1 बट्टे 2 होगा, ठीक है आप लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1 बट्टे 2 हैं, ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 4 बराबर 0, कर दो इसको सॉल्व। देखो क्या करना है हमको, x का गुणांक है 2, ठीक है इससे पूरे में डिवाइड कर दो, ठीक है 2 से भाग देने पर, ठीक है 2 से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x बट्टे 2 माइनस के 2, ठीक है 0 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है आपको, जो आपका कांस्टेंट है ठीक है जो आपका अचर पद है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बट्टे 2 बराबर के 2, ठीक है अब क्या करना है आपको 1 बट्टे 2 गुणा जो x का गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करो, x का गुणांक क्या है 1 बट्टे 2, ठीक है ना इसका वर्ग कर दो, इसको दोनों पक्षों में जोड़ दो, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बट्टे 2 प्लस का देखो ये कितना हो जाएगा 1 बट्टे 4 का वर्ग, ओके देखो 2 प्लस के 1 बट्टे 4 का वर्ग, ठीक है अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका मालूम है, देखो
एक्स प्लस के एक बट्टे चार का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कर दो, दो प्लस एक बट्टे सोलह, देखो एक्स प्लस के एक बट्टे चार का वर्ग। अब देखो ये कितना हो जाएगा, सोलह एलसीएम, बत्तीस प्लस एक तैतीस लिख दो, तैतीस बट्टे सोलह हो गए, सोलह दूनी बत्तीस और एक तैतीस बट्टे सोलह हो गया। अब देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले दो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक बट्टे चार हो जाएगा। ठीक है, जो इसका स्क्वायर हट जाएगा बराबर, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में तैतीस। ठीक है, इसका वर्ग वर्ग होता नहीं है, इसका क्या हो जाएगा चार। ओके, अब देखो एक बार प्लस चिन्ह ले दो, एक बार माइनस चिन्ह ले दो, तो देखो क्या हो जाएगा, लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन में प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के वन अपॉन फोर, ठीक है, प्लस अंडर रूट तैतीस फोर। ठीक है, देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के तैतीस बट्टे चार, देखो प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन फोर। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, चार एलसीएम, अंडर रूट के तैतीस माइनस के वन। ठीक है, एक एक्स का मूल ये आ गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन है आपकी, देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ निकाल लूँ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, सेकंड ये है माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन अपॉन फोर माइनस के अंडर रूट तैतीस बट्टे चार, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट तैतीस बट्टे चार, देखो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन फोर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर एलसीएम माइनस के अंडर रूट तैतीस माइनस का। ठीक है, तो इसके भी दो मूल आ गए। ठीक है, एक ये है एक ये है, लिख देंगे आप, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अंडर रूट तैतीस माइनस वन पॉइंट फोर, देखिए अंडर रूट तैतीस माइनस वन पॉइंट फोर व माइनस के अंडर रूट तैतीस माइनस वन पॉइंट फोर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चार एक्स स्क्वायर प्लस के चार अंडर रूट तीन एक्स प्लस के तीन बराबर जीरो, सॉल्व कर दो। देखो क्या करना है, सर्वप्रथम एक्स एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे भाग दे दो। ठीक है, तो चार से भाग देने पर, ठीक है, चार से भाग देंगे तब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट तीन एक्स, ठीक है, चार से कैंसिल हो जाएगा, प्लस के तीन बट्टे चार बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो जो अचर पद है, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको इस तरह बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट तीन एक्स बराबर माइनस के तीन बट्टे चार। ठीक है, अब देखो क्या करना है, एक बट्टे दो गुणा जो एक्स का गुणांक है, ठीक है, विदाउट चिन्ह के, ठीक है, अंडर रूट तीन गुणा कर दो, इसका वर्ग कर दो, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब देखो एक्स स्क्वायर
प्लस के अंडररूट 3x प्लस के अंडररूट 3/2 का वर्ग हो जाएगा, इधर माइनस के 3/4 प्लस के अंडररूट 3/2 का वर्ग। ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस के अंडररूट 3/2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस के 3/4 प्लस के, देखो इसका वर्ग करेंगे तो 3/4, अंडर तीन का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। अब देखो x प्लस के अंडर 3/2 बराबर 4 LCM, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ 0 बचा, अर्थ तब क्या हो जाएगा, देखो x प्लस के अंडर 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, ठीक है, 0 का वर्गमूल 0, इसका वर्गमूल x प्लस के अंडर 3/2 हो जाएगा, तो इसके मूल होंगे, देखो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस के अंडर 3/2, तो आप लिखेंगे इसके मूल 1 आया जी, ठीक है, इसी यही इसका दूसरा मूल हो जाएगा, लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस 3/√3/2 व माइनस √3/2 हैं, ठीक है, ये दो मूल हैं इसके, माइनस √3/2 व माइनस के √3/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर आई भी है 2x² प्लस के एक्स प्लस के 4 = 0, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भाग देने पर, ठीक है, x² प्लस के x/2 प्लस के 2 = 0। अब क्या करना है आपको, जो कॉन्स्टेंट है उसको इधर ले आना है, x² प्लस के x/2 माइनस के 2, क्या करना है, 1/2 गुणा जो x का गुणांक है, ठीक है, जो x का गुणांक कितना है 1/2, इसका वर्ग कर देना है, ठीक है, इसको दोनों पक्षों में जोड़ दो, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x² प्लस के x/2 प्लस के, देखो 1/4, ठीक है, का वर्ग जुड़ जाएगा, उधर माइनस के 2 प्लस के 1/4 का वर्ग, देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 1/16, देखो x प्लस के 1/4 का वर्ग होल स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 16 LCM, माइनस के 32 प्लस का 1, ठीक है, बट्टे एक मान के एलसीएम ले देंगे, ठीक है, अब देखो x प्लस के 1/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर माइनस के 31/16, ठीक है, अब देखो यहाँ ये वैल्यू ऋणात्मक आई है, ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन में कह रहा था मूलों का अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए, अगर देखो मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व होता है जो आपका जो पूर्ण वर्ग आया है आपका वो या तो जीरो हो, जो पूर्ण वर्ग आया है या तो वो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, ठीक है, यानी धनात्मक हो, तब आपके मूलों का अस्तित्व होगा, ये वैल्यू जीरो से छोटी है और ये ऋणात्मक है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो आपको लिख देना है, हम जानते हैं कि
किसी भी एक्स के वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 देखते हैं देखते हैं हम। हम उपर्युक्त उपर्युक्त प्रश्न प्रश्न एक एक में में दिए दिए गए गए द्विघात द्विघात समीकरणों समीकरणों के के मूल मूल द्विघाती द्विघाती सूत्र सूत्र का का उपयोग उपयोग करके करके ज्ञात ज्ञात कीजिए। कीजिए। ठीक ठीक है, है, पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन विधि विधि द्वारा। द्वारा। ठीक ठीक है है ना, ना, पूर्ण पूर्ण वर्ग वर्ग विधि विधि द्वारा द्वारा ये ये करेंगे करेंगे हम हम द्विघाती द्विघाती सूत्र सूत्र का का उपयोग उपयोग करके। करके। ठीक ठीक है, है, मूल मूल निकालने निकालने हैं। हैं। देखो देखो पहला पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है है 2x 2x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 7x 7x प्लस प्लस के के 3 3 बराबर बराबर 0। जीरो। ठीक ठीक है, है, तो पहले पहले इसकी इसकी तुलना तुलना कर कर दो दो आप आप द्विघाती द्विघाती व्यापक व्यापक समीकरण समीकरण से। से। द्विघाती द्विघाती व्यापक व्यापक समीकरण समीकरण क्या क्या होता होता है? है? ए ए एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी एक्स एक्स प्लस प्लस सी सी बराबर बराबर 0। जीरो। ठीक ठीक है, है, इसे इसे तुलना तुलना करेंगे करेंगे से, से तुलना तुलना करने करने पर। पर। ठीक ठीक है, है, इसे इसे तुलना तुलना कर कर दो दो तो तो देखो देखो ए ए बराबर बराबर क्या क्या जाएगा जाएगा आपका? आपका? 2। दो। ठीक है, ए ए बराबर बराबर क्या क्या जाएगा? जाएगा? 2। दो। बी बराबर बराबर क्या क्या जाएगा जाएगा? मानस मानस के? के 7। सात। सी सी बराबर बराबर क्या क्या जाएगा जाएगा आपके आपके पास? पास? प्लस प्लस का का 3। 3। ठीक ठीक है, है, अब अब देखो 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 मूल मूल वास्तविक के वास्तविक लिए के लिए जरूरी जरूरी है, है जो जो आपका आपका विभक्त कर विभक्त कर होता है। होता है। आपने आपने सुना सुना होगा होगा डी डी बराबर बराबर बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर ए सी एसी होता होता है है विभक्त विभक्त कर। कर। ठीक ठीक है है ना, ना, देखो देखो वास्तविक मूल वास्तविक के मूल के लिए लिए जरूरी जरूरी है है जो जो आपकी आपकी बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर ए ए की की वैल्यू वैल्यू है, है जो या या तो तो जीरो जीरो आए आए या या जीरो जीरो से से बड़ी बड़ी आए। आए। ठीक ठीक है, है, धनात्मक धनात्मक आए। आए। ठीक ठीक है, है, वास्तविक के वास्तविक के लिए लिए जो जरूरी है जो मूल जरूरी आपके है मूल वास्तविक आपके जब जब होंगे होंगे आपकी आपकी वैल्यू वैल्यू या या तो तो जीरो जीरो आए आए या या जीरो जीरो से से बड़ी बड़ी आए। आए। तब तब देखो देखो हम हम पहले पहले इसको इसको बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर से से निकाल निकाल लेते लेते हैं। हैं। देखो देखो बी बी स्क्वायर का स्क्वायर का आपका, आपका, बी बी के के आपका आपका माइनस माइनस सात, सात, वो माइनस माइनस सात सात का का वर्ग वर्ग माइनस माइनस के के 4 चार गुणा गुणा ए की ए की वैल्यू वैल्यू 2 दो और सी सी की की वैल्यू वैल्यू 3। तीन देखो तो इसका इसका वर्ग वर्ग करेंगे करेंगे तो तो 49 49 माइनस माइनस का का 4 चार दूनी दूनी आठ आठ किया किया 24, चौबीस कितना आ कितना आ गया? गया? 25 25 आ आ गया। गया। ठीक ठीक है, है, ठीक है, जो कि जो कि आपका आपका 0 जीरो से से बड़ा है। बड़ा है। ठीक ठीक है, है, 0 जीरो से से बड़ा बड़ा है है आपका, आपका, तब तब देखो देखो तो तो x एक्स बराबर बराबर माइनस माइनस के के बी बी प्लस प्लस माइनस माइनस पी पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर ए ए सी सी अपॉन अपॉन टू ए। टू ए एक्स बराबर एक्स माइनस माइनस बी बी प्लस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट में बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए सी फोर ए सी अपॉन अपॉन टू टू ए। ए ये ये क्या क्या आपका आपका द्विघाती द्विघाती सूत्र सूत्र है? है? ठीक ठीक है, है, द्विघाती द्विघाती सूत्र सूत्र से। से। ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ एक्स एक्स की की दो दो वैल्यू वैल्यू निकल निकल कर कर आएंगे। आएंगे। ठीक ठीक है, है, एक एक प्लस प्लस वाली वाली एक एक माइनस माइनस वाली। वाली। तब तब देखो देखो एक्स एक्स बराबर बराबर देखो देखो माइनस माइनस बी बी माइनस माइनस बी की वैल्यू कितनी? बी माइनस माइनस सात, सात माइनस माइनस के के सात सात प्लस प्लस माइनस। माइनस। ठीक, ठीक, अगर अगर ये ये वैल्यू वैल्यू आपकी आपकी धनात्मक धनात्मक आए, आए, ठीक ठीक है, है, ये ये वैल्यू वैल्यू धनात्मक धनात्मक आए आए तभी तभी आप आप इसके इसके मूल मूल निकालोगे, निकालोगे, वरना वरना इसके इसके मूल मूल काल्पनिक काल्पनिक होंगे। होंगे। ठीक ठीक है है ना, ना, तो तो आपको आपको ये ये ध्यान ध्यान रखना रखना है, है, या या तो तो ये ये जीरो जीरो आए आए या या जीरो जीरो से से बड़ी बड़ी वैल्यू वैल्यू आए। आए। ठीक है, ठीक है, देखो देखो माइनस माइनस सात सात प्लस प्लस माइनस माइनस बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर से से क्या क्या निकाला निकाला आपने? आपने? 25। 25। ठीक ठीक है, है, अब अब देखो देखो टू टू और और ए ए की की वैल्यू वैल्यू कितनी कितनी है है आपके आपके पास? पास? दो। दो। तो एक्स एक्स बराबर बराबर क्या क्या जाएगा? जाएगा? सात सात
प्लस माइनस इसका वर्गमूल सात प्लस माइनस इसका पांच इसका चार हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है प्लस चिन्ह के लिए, प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा देखो, प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सात प्लस के पांच अपॉन के फोर बराबर बारह बट्टे चार, तो एक मूल कितना आ गया आपके पास तीन। ठीक है, सेकंड में देखो माइनस चिन्ह के लिए क्या जाएगा आपके पास, देखो एक्स बराबर सात, अब देखो माइनस चिन्ह लेंगे माइनस के पांच बट्टे चार दो बट्टे चार एक बट्टे दो। ठीक है, एक इसका मूल ये आ गया। ठीक है, तो आपके मूल ये आ गए। ठीक है, तो आप लिख देंगे अतः द्विघाती समीकरण के मूल तीन व एक बट्टे दो। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दो इसे। देखो तुलना कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो ए बराबर क्या हो जाएगा दो, बी बराबर क्या हो जाएगा वन, सी बराबर माइनस के फोर। ठीक है, देखो इसलिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर निकाल लो आप। ठीक है, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ जाएगा वन माइनस के फोर इंटू ए कितना आपके पास टू, सी कितना है माइनस के फोर, वन प्लस सात दूनी आठ चौक बत्तीस। ठीक है ना, ये कितना हो गया तैतीस। ठीक है, जो कि आपका क्या है तैतीस जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो मूल इसके वास्तव होंगे। ठीक है, लिख देंगे जीरो से बड़ा है। ठीक है, अब देखो एक्स बराबर लिख देंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, सूत्र से, ठीक है ये द्विघाती सूत्र है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखो माइनस बी, बी की वैल्यू वन है। ठीक है, तो माइनस के वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है आपका तैतीस, टू इंटू ए कितना है टू, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट तैतीस अपॉन फोर। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन बनेंगे आपकी। देखो फर्स्ट देखो प्लस चिन्ह के लिए, प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा देखो एक्स बराबर माइनस वन प्लस के अंडर रूट तैतीस बट्टे चार। ठीक है ना, प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर माइनस के वन प्लस के अंडर रूट तैतीस बट्टे चार। सेकंड देखो देखो सेकंड देखो माइनस चिन्ह सेकंड देखो माइनस चिन्ह के लिए। ठीक है, माइनस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा देखो एक्स बराबर माइनस के वन माइनस के अंडर रूट तैतीस अपॉन के फोर। ठीक है, तो इसके दो मूल ये आ गए। ठीक है, एक मूल ये आ गए, एक मूल ये आ गए। ठीक है, लिख देंगे तो अतः देखो अतः
दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस वन प्लस अनुरूप 33 बट्टे 4 व माइनस वन माइनस अनुरूप 33 बट्टे 4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर दोस्तों। ठीक है, दूसरे का तीसरा है, 4x² प्लस के 4 अनुरूप 3x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, क्या कर दो, तुलना कर दो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है, तो देखो a बराबर क्या जाएगा 4। ठीक है, b बराबर 4 अंडरूट 3, c बराबर 3। ठीक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अंडरूट 3 का वर्ग माइनस के 4 गुणा ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा 48 माइनस के 4 × 16 = 48, ये 0 आ गई। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो उसके मूल वास्तविक होंगे। अब देखो, अब सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स बराबर माइनस बी कितना आपका माइनस के 4 अंडर 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है अपॉन 2, ए कितना आपका 4। एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस के 4 अंडर 3 अपॉन 8। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये कट जाएगा यहां से 4 × 8 माइनस के अंडर 3 बट्टे 2। ठीक है, तो इसके दो मूल होंगे। ठीक है, लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस के अनुरूप 3/2 और माइनस के अनुरूप 3/2 है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कर दो इसको सॉल्व, तुलना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो देखो ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर के 4। ठीक है, अब देखो तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो बी की वैल्यू 1 है, 1 का वर्ग 1, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 4 माइनस 7 × 8 = 32 कितना होगा माइनस के 31। ठीक है, जो कि एक ऋणात्मक व शून्य से छोटी है। ठीक है, जो कि ऋणात्मक व शून्य से छोटी है। ठीक है ना, तो देखो अब क्या कर लिख देंगे हम, ये इसके मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 0 से छोटी है और ऋणात्मक है। ठीक है ना, लिख देंगे परंतु किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक
नहीं हो हो सकता। सकता। इसलिए इसलिए बीस बीस के के अरमानस अरमानस पूरे पूरे सी सी का मान कमान वास्तविक वास्तविक नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक ठीक है, है, आता आता है दिए गए दिए गए समीकरण समीकरण के के कोई कोई मूल मूल नहीं नहीं होंगे। होंगे। अतः अतः दिए गए दिए समीकरण समीकरण के के कोई कोई वास्तविक वास्तविक मूल मूल नहीं नहीं होंगे। होंगे। ठीक ठीक है। है।